बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टोन मीडिया में। मैं हूं देख रहा है स्टोन मीडिया शुरू चैनल। बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर 21 से 24 के पार्ट 3 के छात्र छात्र, आज 29 तारीख है, 29 जून लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने का। और ऐसा नहीं कि इसके बाद से आपको फॉर्म भरने का मौका न दिया जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 29 तारीख तक बिना लेट फाइन के साथ आप लोगों को फॉर्म भरने का डेट दिया गया था। यदि आपने फॉर्म अभी तक नहीं भरा है तो 30 तारीख से लेकर के तमाम स्टूडेंट 5 जुलाई तक आप फॉर्म को भरेंगे। लेट फाइन ₹200 आपको चार्ज देना पड़ेगा। अच्छा, आप में से कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका पार्ट 1 प्रमोटेड है और वो पार्ट 1 स्पेशल एग्जाम के लिए फॉर्म भर दिया है, पार्ट 3 भी वो देना चाहते हैं, लेकिन कुछ कॉलेज जो है कि उनके पार्ट 3 का फॉर्म जो है कि एक्सेप्ट नहीं कर रही है, वो ये कह के टाल दे रही है कि आपका पार्ट 1 अभी क्लियर नहीं है इसलिए आप फॉर्म नहीं भर सकते। और ऐसा नहीं कि ये सब कॉलेज कर रही है, कुछ कॉलेज के कमेंट्स मेरे पास वहां जो पढ़ते हैं छात्र छात्राएं उनके आए हैं कि सर मेरा फॉर्म एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कॉलेज वाले। तो तमाम स्टूडेंट देखिए, बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के यदि कोई कर्मचारी जो है कि इस वीडियो को सुन रहे हैं तो जो नोटिस आई है इसमें थोड़ा संशोधन करके एक नोटिस रिवाइज जारी किया जाए, जिसमें यह मेंशन किया जाए कि वैसे छात्र छात्राएं भी परीक्षा फॉर्म को भर सकते हैं, चाहे वो 20 से 23 के हो या 19 से 22 के हो या 21 से 24 के ही। वैसे छात्र छात्राएं जिनका पार्ट 1 क्लियर अभी तक के नहीं है लेकिन पार्ट 1 का स्पेशल एग्जाम होने वाला है, उसमें उन लोगों ने फॉर्म भरा है, उन लोगों को पार्ट 3 परीक्षा फॉर्म भरने की अनुमति दी जाती है। एक ऐसा रिवाइज्ड जो है कि आदेश जारी कर दे विश्वविद्यालय ताकि सभी कॉलेज को यह जो है कि एक तसल्ली हो जाए कि हाँ फॉर्म एक्सेप्ट किया जा सकता है। क्योंकि हाँ बहुत सारे जो कॉलेज है वो फॉर्म एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं पार्ट 3 का, वैसे छात्र छात्राओं का जिनका पार्ट 1 अभी तक के क्लियर नहीं है। और देखिएगा, हो सकता है विश्वविद्यालय सुनेगी जरूर हमारी आवाजों को और रिवाइज जो है कि वह नोटिस जरूर जारी करेगी। और रहा बात डेट के लिए, तो देखिए डेट तो अभी 5 जुलाई तक है ना, लेट फाइन के साथ आप लोग फॉर्म भर लीजिए। और देखिए, आज के अखबार में एग्जाम के बारे में कहा गया है कि अगले माह जो है कि तृतीय वर्ष की परीक्षा जो है कि वह ली जाएगी। अगले माह कौन, तो अगले माह कौन सा है, जुलाई वाला है तमाम स्टूडेंट, इसको जो है कि आज के अखबार में छापा गया है। देखिएगा, अब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 23-27 वालों का जो उन लोगों का अभी प्रैक्टिकल का एग्जाम चल रहा है 10 जुलाई तक, उनके प्रैक्टिकल का एग्जाम का नंबर्स वगैरह, यानी 8 तारीख तक उनका प्रैक्टिकल का एग्जाम होना है और 10 तारीख को उनके प्रैक्टिकल के नंबर जो है कि विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग में भेज देनी है। और 10 जुलाई के बाद उन लोगों का थियोरी का एग्जाम शुरू कराने का जो है कि प्लान चल रहा है। और थियोरी का एग्जाम शुरू चलने के दरमियान हो सकता है तमाम स्टूडेंट 10 जुलाई के बाद पहले आपके पार्ट 3 का प्रैक्टिकल का एग्जाम लिया जाए। थियोरी एग्जाम में तो तमाम स्टूडेंट देखिएगा, ये लगभग पूरा तय है विश्वविद्यालय की तरफ से कि पहले थियोरी का एग्जाम 23-27 वाले का हो, तब जाकर के पार्ट 3 21-24 वाले का हो, क्योंकि फॉर्म उनका पहले भराया, एग्जामिनेशन कैलेंडर में उनके एग्जाम का डेट पहले है, तब जाकर के आपके 21-24 के पार्ट 3 का एग्जाम के बारे में। तो पहले प्रैक्टिकल का एग्जाम शुरू होगा यदि होगा तो, और एग्जाम जुलाई से अगस्त तक थियरी एग्जाम होते होते अगस्त जो है कि आप लोगों का चला जाएगा। देखिए, इतना बड़ा जो है कि डिस्क्रिप्शन यह प्रभात खबर ने आज तो छापी है, लेकिन बस इसमें मिला जुला करके यही है कि सेशन ये है, बिहार विश्वविद्यालय के सभी अंगीभूत व संबंध कॉलेज यहाँ पर पार्ट 3 का जो एग्जाम है उसके फॉर्म भरने का डेट इतना है, ये एग्जाम बहुत पहले होने वाला था लेकिन इलेक्शन वगैरह आ गया जिसके कारण नहीं हो पाया, फिर ये एग्जाम जून में होने वाला था, फिर वह जून में भी ना हो पाया, अब जाकर के अगले महीने जो कि महीना आने वाला है उसमें एग्जाम होगा, यही सब बात जो है कि इसमें लिखा हुआ है, तो ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं तमाम स्टूडेंट, आप देख पा रहे। तो आप लोग जो है कि फॉर्म फिलअप कर लीजिए नियत समय में, और जिनका भी कॉलेज फॉर्म नहीं भरने दे रही है पार्ट 1 जिनका क्लियर नहीं है उनको पार्ट 3 का, तो कॉलेज को कहिए कि ऐसा नहीं होता है, अंडरटेकिंग फॉर्म के साथ भरा जा सकता है। और विश्वविद्यालय से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि एक बार जो है कि रिवाइज्ड जो है कि इस नोटिफिकेशन को जारी करे और सेशन मेंशन करते हुए एक बात ये लिख दे कि वैसे स्टूडेंट जो पार्ट 1 स्पेशल का एग्जाम देने वाले हैं, फॉर्म भर लिए हैं, वो भी पार्ट 3 का एग्जाम दे सकते हैं। ये एक अच्छा ऑप्शन होगा ताकि जो कॉलेज जो कंफ्यूज्ड है, जो फॉर्म एक्सेप्ट नहीं कर रही है छात्र छात्राओं का, वो फॉर्म एक्सेप्ट कर ले। तो तमाम स्टूडेंट, आप लोग परीक्षा की तैयारी में लगे रहिए, 10 जुलाई के बाद हो सकता है कि पहले आपके
प्रैक्टिकल का एग्जाम ले विश्वविद्यालय तब थियरी शुरू करवाए, जो भी होगा हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के।